एरे के सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए थे, फॉर लूप का हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था, एक छोटा सा फॉर लूप चलाकर देख लिया था हमने। आज हमें ये देखना है कि ये जो चैप्टर नंबर 19 है, असल में हम ये पढ़ रहे होंगे आज। ठीक है, तो चलते हैं जी, 18 को भी देख लेते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने मिस कर दी। सही है, चैप्टर नंबर 18 तक लास्ट हमने पढ़ लिया था, अब ये 19 हम पढ़ने जा रहे हैं। वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। ये हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था, ऑपरेटर्स, यार इसके बाद भी तो एक पढ़ा था हमने। अच्छा, वो मुझे पुल करना होगा ना। अच्छा, पुल तो लेकिन होगा नहीं, पुल तो नहीं होगा क्योंकि गेटअप नहीं चल रहा। खैर चलो कोई नहीं, इसके बाद एक चैप्टर, एक कुछ कोड मैंने और लिखा था, वो हम्माद भाई से मैंने कहा था कि पुश कर दीजिएगा, होपफुली उन्होंने पुश कर दिया होगा। तो मैं इसको 09 बना देता हूँ। ठीक है, लूप एंड एरे के, लूप का और एरे का आपस में क्या ताल्लुक है वो हम देखने जा रहे हैं। और इसमें हमने क्या बना दिया, एक अदद इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना दिया, इस इंडेक्स में हमने बेसिक एचटीएमएल लिख दी। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है जी, और यहीं पे मैंने स्क्रिप्ट का एक टैग बना के, जावास्क्रिप्ट भी सारी मैं अपनी यहीं लिखूंगा। अच्छा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लिखना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, लेकिन क्लास के दौरान क्योंकि मुझे सहूलत इसमें होती है, सिंगल पेज पे ही सारी चीज़ें हों, छोटे छोटे कोड लिख रहे होते हैं, तो इसमें यह ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। जब आपका कोड ज़्यादा लंबा होता है तो फिर जो अलग फाइल होती है वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। ठीक है, अच्छा अच्छा जैसा कि मैंने शुरू दिन में ही आप लोगों को ये बात बताई थी कि एरे जो आपने पढ़ा था, अगर मैंने तीन अलग अलग वेरिएबल बनाया, मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है, फिर लेट बी और लेट सी, तीन वेरिएबल बना दिए मैंने, और तीनों में कुछ अलग अलग मैंने नंबर रखवा दिए। मैंने कहा इसमें 8 रख दो, इसमें 3 रख दो। ये तीन वेरिएबल जो है मेमोरी में कितनी जगह लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन एक नंबर का वेरिएबल कितनी जगह लेता है, 8 बाइट लेता है। ठीक है, ये 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। अच्छा, फिर मैं अगर एक बनाता हूँ एरे, लेट ARR1, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ARR1 मैंने रख दिया, और इसमें मैं यही डेटा इसमें सेव करवाता हूँ अगर, तो हम ये देखते हैं कि ये एरे भी उतनी ही जगह लेता है, कोई कम जगह नहीं ले रहा। वेरिएबल का नाम तो एक है मेरे पास, लेकिन मेमोरी में असल में ये भी तीन वेरिएबल जितनी जगह ले रहा। अच्छा, इसमें अगर मैं चौथा लिख दूँ तो ये 4 वेरिएबल जितनी जगह लेगा। सही है, अगर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग ऐड करूँ, अगर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग ऐड कर दूँ तो ये फिर स्ट्रिंग जितनी जगह लेता है ये उतनी जगह लेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने जा रहा कि आपकी कोई मेमोरी बचाएगा या कुछ करेगा, तो फिर इसका बेनिफिट है क्या आखिर, तो वो हम देखते हैं आज के, उसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहली बात ये कि अगर इस तरह से मेरे पास, अभी तो ये 3 नंबर हैं, मिसाल के तौर पे मुझे 300 नंबर इस तरह से मिले और मुझे उनको प्रिंट करवाना है, अब वो 300 भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट की लिस्ट है, आप सब स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे इनरोल हैं, तो डेटाबेस में आपका डेटा होगा। अब वो सारा डेटा मुझे मिला, यानी नामों की एक लिस्ट मिली मुझे, मैंने हर नाम को एक वेरिएबल में रखवा दिया, जैसे कि लाइन नंबर 16, 17, 18 में लिखा हुआ है,
अब उसको मुझे प्रिंट करवाना है सबको। अब मैं कैसे प्रिंट करवाऊँ? एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है, मैं कॉन्सोल डॉट लॉग लिख के, अच्छा मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, प्रिंट करवाना कोई भी ऑपरेशन उसके साथ मुझे करना है, ठीक है, सिर्फ प्रिंट करवाने की बात नहीं है। तो एक तो मैं ये करूँ कि ए लिखूँ, उसके बाद कॉमा डाल के यहाँ पे ए को प्रिंट करवा दूँ, ठीक है, कि ए में जो भी है वो आ जाए यहाँ पे। इसी तरह मैं बी और सी दोनों के साथ कर लूँ ये काम। सही है, बी हो गया ये, और उसके बाद ये हो गया सी हमारा। एक तो तरीका ये है इसको प्रिंट करवाने का, लेकिन मसला ये है कि तीन लाइन का जो कोड हो गया ना, ये बड़ा मसला है, क्योंकि अगर ये 300 डेटा पॉइंट होते तो मुझे 300 लाइन का कोड लिखना पड़ता। अब जाहिर है नए स्टूडेंट भी आएंगे, बढ़ेगा भी। तो इस तरह से वेरिएबल में अगर अलग अलग डेटा होता है तो मुझे इस पॉइंट पे आके ये बड़ी तकलीफ देता है, ठीक है। ऑन अदर हैंड, ठीक है, अगर मुझे एक नया डेटा चाहिए इसके अंदर, तो मुझे एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो कि प्रोग्राम बनने के बाद, यानी मैंने प्रोग्राम बना के दे दिया, उसके बाद इसमें नया वेरिएबल ऐड करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोग्राम लिख के किसी को दे दिया, अब 2-4 हज़ार लाइन का, 5 हज़ार लाइन का कोड है, अब वो कहाँ जाके उसके अंदर वेरिएबल ऐड करेगा? तो ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए यहाँ पे जिसमें नया डेटा भी ऐड हो जाए, माइनस भी हो जाए, और उसको मैं प्रिंट भी करवा सकूँ। तो उसके लिए फिर एरे को बनाया गया। तो मैं ये ऊपर वाली चीज़ पूरी हटा देता हूँ, अब हम एरे को देख रहे होते हैं। अब इस एरे को अगर मुझे प्रिंट करवाना है, इसमें 4 डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? एक अदद फॉर का लूप लिखूंगा, ठीक है। मैंने कहा लेट आई, आई लिखते हैं आमतौर पे, आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, लेकिन आप आई के अलावा कुछ और भी लिखेंगे तो ये स्टिल चलेगा, बिल्कुल सही काम करेगा। आई जब तक छोटा रहे, किससे, कितने से छोटा रहे, 5, मुझे इस लूप को कितनी दफ़ा चलाना है, एरे की लेंथ तक, ठीक है। हम एरे के जब मेथड्स हमने पढ़े थे तो उसमें हमने ये देखा था कि एरे पे अगर डॉट लेंथ हम कॉल करते हैं तो वो मुझे एक नंबर रिटर्न करते हैं। तो ये एरे पे अगर मैं डॉट लेंथ लगाऊंगा तो मुझे क्या नंबर रिटर्न करेगा, 4 करेगा, ठीक है। इसमें क्योंकि 4 आइटम्स हैं तो 4 करेगा। अच्छा, ये जो 4 आइटम है इनका जो इंडेक्स है ये कहाँ से शुरू है, 0, 1, 2, 3 है, ठीक है। टोटल 4 आइटम है, 0, 1, 2, 3। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बजाय 5 लगाने के मैं कहूँगा arr1.length, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने ये कहा था कि एरे को मैं हमेशा 0 से शुरू करता हूँ, ठीक है। अब मैंने 0 से शुरू किया और मैंने कहा लेंथ तक चले, तो ऑटोमेटिकली 0 से लेके 4 तक मैंने इसको चलाया। अब जब 0 से लेके मैं 4 तक इसको चलाऊँगा तो चूँकि यहाँ पर देखो लेस देन का साइन है, तो वो एक्चुअली 0 से लेके 4 तक नहीं, 0 से लेके 3 तक चलेगा, चौथे पे आके तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि लेस देन में चौथा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये एरे की लेंथ जितनी है ना उतनी दफा ही चलता है, ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। यही वजह है कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप फॉर लूप लिखेंगे उसको आप 0 से स्टार्ट करने की आदत डालें। अगर आप उसको 1 से स्टार्ट करेंगे ना तो फिर हमेशा मसला रहता है उसके अंदर। अच्छा, ये हो गया। अब सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ के कॉन्सोल डॉट लॉग करके ना, मैं इसका जो इंडेक्स है, जो आई का वेरिएबल है, उसको मैं जस्ट अभी प्रिंट करवा लेता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि क्या ये 0 से लेके 3 तक ही चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए अभी मैं एरे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, अभी जस्ट मैं लूप को चला के ना उसमें एक इंडेक्स प्रिंट करवाता हूँ कि ये कौन कौन से इंडेक्स पर ये जाता है, ठीक है। तो जितनी दफ़ा ये घूमेगा उतनी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, एरे के स्ट्रक्चर में किसी को कोई इशू तो नहीं है? लास्ट टाइम मैंने इसका ड्राई रन करके आपको दिखाया था कि पहले कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, वो चीज़ सबको क्लियर है? पहले तो उसको ज़रा चला के देख लेते हैं, फिर आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी का उसमें कोई सवाल है तो। कोड यहाँ और एग्जांपल यहाँ, इसके मैं ज़रा टर्मिनल में जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं देखूंगा कि भाई क्या हुआ है इसके साथ। सही है, 0, 1, 2, 3 बिल्कुल सही चला। मेरा जो एरे है, 4 एलिमेंट का जो एरे है मेरा, उसके इंडेक्सेस बिल्कुल इतने ही हैं, इसी जैसे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके ये करूँ कि साथ में ही कॉन्सोल डॉट लॉग लगा दूँ और मैं कहूँ
कुछ भी लगा दो, मैं आइटम लिख देता हूँ उसमें, मैं आइटम लिखता हूँ, कॉमा लगा के क्या करूँगा मैं, ए आर आर वन का इंडेक्स आई, ठीक है। इंडेक्स में मैं फोर लिखता था, टू लिखता था, वन लिखता था, तो मैं कोई वेरिएबल भी तो लिख सकता हूँ ना यहाँ, आई में जो होगा वो आ जाएगा। तो अब इस तरह से होगा क्या कि पहली दफ़ा जब ये लूप घूमेगा तो इस आई में क्या होगा, जीरो होगा, तो ये ए आर आर का इंडेक्स नंबर जीरो प्रिंट हो जाएगा। अगली दफ़ा जब ये एरे घूमेगा तो इस आई के अंदर क्या होगा, वन होगा, तो वो वन इंडेक्स प्रिंट कर देगा। फिर अगली दफ़ा घूमेगा तो टू होगा, फिर आखिरी दफ़ा घूमेगा तो थ्री होगा। चौथी दफ़ा की नौबत नहीं आएगी क्योंकि लेस देन फोर है, यहाँ पे फोर आया ना लेस की जगह पे, तो आई जब तक लेस रहे फोर से, जब फोर हो जाएगा तो फिर ये वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। तो जीरो से थ्री तक ये इस तरह चलेगा, ठीक है। इंडेक्स जीरो आइटम उस पर फाइव है, इंडेक्स वन आइटम एट है, फिर आइटम थ्री है, फिर आइटम फाइव है, ठीक है। इसी सीक्वेंस से प्रिंट हो गया ये। अच्छा प्लीज़ सब लोग मुझे बताएं, जो लास्ट वाली क्लास में जो ड्राई रन किया था उसका ज़रा मैं आपसे रिव्यू ले रहा हूँ कि आपको कितना वो अभी तक याद है। जब ये लाइन नंबर 19 में जब मेरा कंट्रोल पहुँचेगा प्रोग्राम का, तो कोड सबसे पहले किस चीज़ को देखेगा, सबसे पहले वो फॉर लूप का कीवर्ड देखेगा, सबसे पहले वो फॉर लूप का कीवर्ड देखेगा, उसी से वो आइडेंटिफाई करेगा कि आगे क्या चीज़ आने वाली है। जैसे ही वो फॉर लूप का कीवर्ड देखेगा वो एक्सपेक्ट करेगा तीन चीज़ें, नंबर एक इनिशियलाइजेशन, नंबर दो कंडीशन चेकिंग, और नंबर तीन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये तीनों पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल है या रिक्वायर्ड है? ये तीनों पैरामीटर ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले वो क्या रन करेगा, इनिशियलाइजेशन में अगर कुछ लिखा हुआ होगा तो उसको रन कर देगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्शनल है, हम इसको क्या क्या कर सकते हैं लास्ट क्लास में। अच्छा अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी, कुछ हमारे पास इशू था। अच्छा उसके बाद कहाँ जाएगा ये, कंडीशन चेकिंग में। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ तक एक दफ़ा रन करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट ये लाइन नंबर 26 पे पहुँच जाएगा, सही है। ये बॉडी को इग्नोर करेगा, जो बॉडी है उसको इग्नोर करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो वो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी हमारे केस में चूंकि ट्रू है तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रू होने की सूरत में ये इस बॉडी को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कौन से पार्ट में चला जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले पार्ट में। अगर कुछ हुआ तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आके मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अच्छा ये जो कंडीशन चेकिंग वाला पार्ट है ये भी ऑप्शनल है, तो अगर कंडीशन चेकिंग के पार्ट पे कुछ नहीं होगा तो ये क्या समझेगा उसको, ये उसको ट्रू समझेगा और कंडीशन को वो ट्रू कंसिडर करेगा अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो, ठीक है। तो अच्छा तो ये एक साइकिल मेरा कंप्लीट हो गया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, बॉडी को एग्जीक्यूट किया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, ये एक साइकिल मेरा हो गया। एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद अब ये कहां पर जाएगा, दोबारा से ये कंडीशन को चेक करेगा कि आया अभी भी क्या कंडीशन ट्रू है, ठीक है। कंडीशन पे गया, क्या मेरी कंडीशन अभी भी ट्रू है, आई में इस वक्त क्या मौजूद है, सेकंड साइकिल में वन हो चुका है, पहले जीरो था लेकिन प्लस प्लस होने के बाद ये वन हो चुका है, क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, जी बिल्कुल ट्रू है ये। तो एक दफा ये बॉडी को और घुमाएगा और उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट चला देगा। इस पॉइंट पे मेरा दूसरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेगा ये, दोबारा कंडीशन चेक करेगा कि आया क्या तीसरा साइकिल, घुमाना है कि नहीं घुमाना, मेरी कंडीशन अभी भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है ये, अब आई में इस वक्त क्या आ चुका है, आई में टू आ चुका है, ठीक है। अब ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, घुमाया जनाब, यहाँ इंडेक्स की जगह पे थ्री प्रिंट हो गया, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट प्रिंट हो गया जो भी लास्ट था हमारा, ठीक है, टू, हाँ टू है ना इसके अंदर, तो जीरो वन टू तीसरा एलिमेंट प्रिंट हुआ आपका। अच्छा ये होने के बाद दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, अब आई में क्या हो चुका है, थ्री, हमारी कंडीशन अभी भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो है फोर, फोर बड़ा है थ्री छोटा है, एक दफ़ा और ये बॉडी को घुमाएगा फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, अब आई में क्या हो चुका है, फोर हो चुका है, अब ये कंडीशन फॉल्स है। अब ये क्या करेगा, इसके आगे ये जितना भी कोड लिखा हुआ है इसको इग्नोर करेगा और डायरेक्ट ये लाइन नंबर 25 पे और 26 पे और 27 पे जो भी आगे होगा उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये प्लीज़ अच्छी तरह समझ लें, फॉर लूप
ज़्यादातर जो सी लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें इसी तरह चलता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह समझ लें। जो कॉम्प्लेक्स किस्म की, जो वैसे तो लूप चलाने के आसान तरीके भी हैं जो अभी हम आज ही की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर लूप जो है वो सबसे बेसिक है, ठीक है। बेसिक का मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ना फॉर लूप चलता रहता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर फॉर लूप ही चलाना पड़ता है आपको, ठीक है। जो दूसरे भी तरीके हैं, मैप वगैरह, फिल्टर, ये और भी तरीके हैं, फॉर ईच है, लेकिन वो जो अप्रोचेज हैं वो बहुत सारी जगहों पे फेल हो जाती हैं समटाइम, बहुत सारी जगहों पे वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फॉर लूप ऐसी चीज़ है आपको सब जगह पे इस्तेमाल करना पड़ सकता है इसको, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कोई और चीज़ नहीं चलती, फॉर लूप चलता है। तो फॉर लूप सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो मैंने अभी क्या कर लिया, मैंने अभी लूप के ज़रिए एक एरे के ऊपर ट्रैवर्स कर लिया। अच्छा, इमेजिन करो कि डेटाबेस में इसमें एक नया आइटम आ जाता है, तो अब मेरा लूप क्या इसको चला लेगा, सही हैंडल कर लेगा? बिल्कुल सही हैंडल करेगा, क्योंकि अब एरे डॉट लेंथ में 5 मिलेगा, तो अब मेरा लूप 5 दफ़ा घूमेगा। अब इसके अंदर 200 आइटम हो या 2000 आइटम हो, अब ये फ़र्क नहीं पड़ता, जितने आइटम लिखूंगा उतनी दफ़ा घूमेगा ये। तो मैं ज़रा इसको अब चलाता हूँ, ये मैंने आइटम बढ़ा दिए इसके, अब बढ़ा के इसको ज़रा मैं चला के देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। प्रिंट हो गया भाई, लास्ट में 5 था, इसको ज़रा क्लियर करके चलाता हूँ, ठीक है। पहला आइटम था 5, उसके बाद आखिरी भी 5 है, पहला आइटम 5 है, आखिरी भी 5 है। तो उसको आप अगर एग्जैक्टली देखेंगे चलाकर तो ये सारे आइटम प्रिंट कर रहा होगा। अच्छा, अगर मैं इसमें से आइटम माइनस कर दूँ, क्या ये अभी भी सही चलेगा? बिल्कुल सही चलेगा, क्योंकि एरे डॉट लेंथ भी तो चेंज हो गई ना, अब एरे डॉट लेंथ में मिलेगा 2, तो ये 2 ही दफ़ा घूमेगा, 2 दफ़ा घूमा। क्या हुआ, स्टक हो गया? अच्छा, तो मेरे पास 2 आइटम है, अब मैं इसको घुमाऊंगा तो 2 दफ़ा घूमेगा ये, क्योंकि एरे डॉट लेंथ में मुझे 2 मिला है। अब बताओ, ये जो इतनी बात मैंने बताई है इसमें कोई सवाल? अच्छा, ये जो मैं, ये जो टॉपिक चल रहा है आज का, ये चल रहा है कि लूप एरे के लिए बना है, एरे लूप के लिए बना है। अगर सिर्फ एरे होता और लूप नहीं होता तो एरे बेकार था, अगर सिर्फ लूप होता और एरे नहीं होता तो लूप भी बेकार है, दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार है, ठीक है। हमेशा याद रखें, जब भी एरे का जिक्र आएगा वहाँ पे लूप का जिक्र लाजमी आएगा, जब जहाँ पे भी लूप की बात होगी वहाँ पे एरे लाजमी होगा। ये दोनों हमेशा साथ साथ मिलेंगे आपको, किसी भी जगह पे आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये दो चीज़ें हमेशा साथ साथ मिलेंगी आपको। किसी का भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ सकता है। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, क्लास पढ़ा रहा हूँ। वो कहीं भी चेकअप करवाने हैं, अभी यहाँ से निकलूँगा तो उसी के पास जाऊँगा। अच्छा, तो भाइयों, किसी का भी कोई सवाल इससे मुताल्लिक? सब लोगों को जी, ये नहीं पूछ रहे हैं, खुद पूछो, खड़े हो, ये कौन सी बात हो गई यार, खड़े हो। हाँ, जो भी लिख सकते हो, आई प्लस प्लस की जगह मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ ना, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ये भी सही है। आई प्लस 2 लिख दूंगा तो 2-2 करके इंक्रीमेंट करेगा फिर ये, ठीक है। नहीं भी लिखूंगा तो भी सही है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। इसमें अगर कॉन्सोल डॉट लॉग लिख दूंगा मैं, कॉन्सोल डॉट लॉग, सही है। अरे यार, ये क्या कर रहा है बाबू। आ गया। अच्छा, तो देखो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट की जगह पे ना कॉन्सोल डॉट लॉग लिख दिया, तो ये भी सही है, ठीक है। अब साथ में इंक्रीमेंट भी करवा देता हूँ, मैं कहता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। कॉन्सोल डॉट लॉग भी करवा दिया, इंक्रीमेंट भी करवा दिया मैंने, करवा दिया, ये बिल्कुल सही चलेगा इंशाल्लाह।
ठीक है, बिल्कुल सही चला। ये जो कॉन्सोल था ये देखो आ भी गया, लाइन नंबर 19 में ना कॉन्सोल। अब देखो लाइन नंबर 19 कौन सी है, यही वाली है, ये कॉन्सोल आ भी गया, सही है। अच्छा मैं यहाँ पे अगर सिर्फ कॉन्सोल डॉट लॉग लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट वाला पार्ट है ये, बट फिर मुझे ये इंक्रीमेंट ना कहीं मुझे करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बॉडी के अंदर लास्ट में इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये भी सही है, मतलब इंक्रीमेंट वाला पार्ट तो चलेगा, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी पार्ट में इंक्रीमेंट करूँ, मैं इंक्रीमेंट नीचे कर देता हूँ बॉडी में, सही है, क्योंकि हर दफ़ा बॉडी घूमेगा तो बॉडी के आखिर में इंक्रीमेंट हो जाएगा खुद ही। तो ये कंसोल डॉट लॉग लेकिन अपनी जगह पर ही आएगा, ठीक है। ये देखो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट आइटम पहले प्रिंट हुआ है, इंक्रीमेंट बाद में प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन चेकिंग, उसके बाद बॉडी रन होती है, ये आखिर में चलता है जब ये बाद में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इनिशियलाइजेशन की जगह पे भी क्या करूँ, इसको कट कर दूँ मैं इनिशियलाइजेशन को, ठीक है, और इसको मैं बाहर लिख दूँ यहाँ पे, क्योंकि जाहिर है मुझे एक वेरिएबल तो चाहिए ना, ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं इस पार्ट में बनाऊँ, लेकिन मुझे एक वेरिएबल चाहिए यहाँ पे। फिर मैं क्या करता हूँ, एक अदर कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ इनिशियलाइजेशन AINIT, सही है। तो आप देखना सबसे पहले ये चलेगा और सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगा, ठीक है। इनिट देखो सिर्फ एक दफ़ा चला, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट दोबारा नहीं चलता है, वो सिर्फ एक दफ़ा चलता है, ठीक है। लूप मेरा फिर भी सही चला है। अब ये कंडीशन चेकिंग वाला भी ऑप्शनल है, ठीक है। कंडीशन चेकिंग में भी मैंने कट किया इसको और मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्सोल डॉट लॉग कंडीशन, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है तो मैं तुम लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा रहा हूँ। समटाइम ऐसा होता भी है, लेकिन समटाइम ये होता है कि हम कंडीशन यहाँ पे नहीं चेक कर रहे होते, ठीक है। बट देखो अभी यहाँ पर जो भी लगा हुआ है, जो भी यहाँ पे लगा हुआ है वो क्या है, वो ट्रू या फॉल्स है, क्योंकि इसको तो इस जगह पे अल्टीमेटली ट्रू या फॉल्स चाहिए ना, ये ट्रू है या फॉल्स है, कौन बताएगा कैसे। मतलब अगर देखो कंडीशन चेकिंग की जगह पे मैंने एक कॉन्सोल डॉट लॉग लगा दिया, ठीक है, जब भी कंडीशन चेकिंग वाला पार्ट चलेगा तो वो तो चल जाएगा, लेकिन मसला ये है कि मुझे वहाँ पे अल्टीमेटली जो रिटर्न वैल्यू है वो तो ट्रू या फॉल्स चाहिए। तो अगर कॉन्सोल डॉट लॉग की रिटर्न वैल्यू अगर ट्रू हुई तो इन्फिनिटी चलेगा फिर ये लूप, ऐसे ही है ना। और अगर कॉन्सोल डॉट लॉग की जो रिटर्न वैल्यू है वो फॉल्स हुई, फॉल्सी हुई, तो ये एक दफ़ा भी नहीं चलेगा, पहली दफ़ा में ही ठप हो जाएगा। तो अब मुझे कौन ये बता सकता है, जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको पता होगा कि कॉन्सोल डॉट लॉग जो है इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है, पता है किसी को। कैसे ट्रू होगी, हाँ नहीं देखो मैंने शुरू में ये जिक्र किया था कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हर स्टेटमेंट की कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू होती है। तो कोई भी लाइन लिखता हूँ ना मैं, मिसाल के तौर पे देखो मैंने ये लाइन लिखा है ना, इसकी कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू है। ऐसा नहीं हो सकता कि जावा स्क्रिप्ट में कोई भी लाइन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट, मतलब ऐसे ही लिख देता हूँ मैं 3+5 लिख देता हूँ, तो ये 3+5 की रिटर्न वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। तो 8 को मैं करता हूँ लेट सम इक्वल्स टू 3.3+5, तो इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो सम में चली गई, लेकिन इस पूरे की भी रिटर्न वैल्यू होती है, इस पूरे की भी एक रिटर्न वैल्यू होती है। आगे चल के ज़रा ये भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, वैसे तो ये मुझे लगा था कि ऑब्वियस बात होगी, 3+5 ये क्या लिखा हुआ है नीचे, 8 के साथ एक एरो बना हुआ है, इस एरो का मतलब क्या होता है, रिटर्न वैल्यू है ये, जब मैं ये एंटर करूँगा तो 8 आ जाएगा, सही है। इसी तरह मैंने कहा 2+4 6 आ गई रिटर्न वैल्यू, ठीक है। ये रिटर्न वैल्यू ना उस तरफ जो एरो आ रहा है ना, ये जो इस तरफ एरो है ये इनपुट है, ये मेरी वैल्यू है जो मैं दे रहा हूँ, हाँ पॉज हो गई, ये बड़ा मसला हुआ है इसके साथ। अच्छा अब मैं इस पर लिखता हूँ लेट
बल्कि लिखूंगा तो वो नीचे सर में लिखा हुआ आ जाता है ना। हम मुझे बताओ इस पूरे की रिटर्न वैल्यू क्या होगी, गैस करो। ऐसी ये समझ आई रिटर्न वैल्यू वाली बात? देखो 3 + 5 जब भी मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट में तो रिटर्न वैल्यू भी, दोबारा बताता हूँ मैं रिटर्न वैल्यू क्या होती है। रिटर्न वैल्यू ये होती है कि जब मेरा कोड चलेगा तो ये 3 + 5 हट जाएगा, खुद गायब हो जाएगा, इसकी जगह एक नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू। ये हम शुरू में ही देख चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि 3 + 5 जब भी मैं करूँगा तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, 8 रिटर्न करेगा, ठीक है, 8 यहाँ आ जाएगा। अब ये 8 कहाँ चला जाएगा, सम में। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि जावास्क्रिप्ट की हर स्टेटमेंट भी एक वैल्यू होती है, वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक है। तो आखिर में जो लेट सम है ना पूरा, ये पूरा भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, और वो वैल्यू होगी अनडिफाइंड। करके देखते हैं, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट किया, एंटर किया तो क्या लिखा हुआ गया, अनडिफाइंड, ठीक है। जब भी कोई स्टेटमेंट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती है तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करती है। अब ज़रा कॉन्सोल डॉट लॉग का भी देख लेते हैं कि वो क्या वैल्यू रिटर्न करता है। कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, कुछ भी मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग, एंटर, क्या रिटर्न किया इसने, अनडिफाइंड। स्क्रीन पे प्रिंट तो हो गया, जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो प्रिंट हो गया, लेकिन एरो के साथ जो वैल्यू आई ना रिटर्न वैल्यू, वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड फॉल्स ही होती है। तो अब होगा क्या, ये जो कंडीशन चेकिंग की जगह पे मैंने लिखा है ना ये वाला, ये प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन मसला ये जब यहाँ रिटर्न होगा यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न होगा, और अनडिफाइंड होता है फॉल्स ही, इसकी वजह से ये लूप पहली दफ़ा में ही कंडीशन फेल कर जाएगा, समझ आया। लेकिन चलो वैसे इसको चला कर देखते हैं कि ये प्रिंट होता है या नहीं होता। रिफ्रेश किया मैंने, देखो इनिट हुआ, कंडीशन हुआ, उसके आगे बढ़ा ही नहीं। आइए सही है, इनिट चला, वापस आ जाता हूँ मैं कोड में। अच्छा मुझे अब यहाँ भी नज़र रखनी पड़ेगी, सबसे पहले लाइन नंबर 23 पे इनिट है, पहला इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था, सही चला। इनिशियलाइजेशन के फौरन बाद कंडीशन चेकिंग होती है, कंडीशन चेकिंग तो हुई, वो पार्ट तो चला, लेकिन चूंकि उसमें फॉल्स आ गया तो उसने बाकी चीज़ों को चेक ही नहीं किया, आगे बढ़ गया, उसने बोला बस लूप चले गई नहीं, ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करके वापस आ जाता हूँ पीछे, जो मैंने पहले लिखा हुआ था उसी पर। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं तीनों ऑप्शनल हैं। जी दोस्त, जी मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक तो ना ये फॉर लूप के अंदर जो लिखा हुआ है लेट आई इक्वल टू जीरो, उसको मैं पहले वैसा ही बना दूँ पहले जैसा, इसको मैं आई जब तक छोटा रहे arr1.length, ठीक है, और इसको मैं i++ यहाँ कर दूँ, ठीक है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले तरीका बता रहा था ना वो है वन विलिंग, मसला नहीं है, वो चल जाएगा। अच्छा देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो होता है ना लाइन टर्मिनेटर जो है, ये जो सेमी कॉलन है इसको हम कहते हैं लाइन टर्मिनेटर, दैट इज ऑप्शनल, ठीक है। कोई भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें लाइन टर्मिनेटर अगर आप लगा दें तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है, ठीक है। जो एंटर करते हैं ना जो लाइन चेंज होती है, जो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाया लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। तो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है ये मैंने एक नई लाइन में बनाया है ना, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि एक नई लाइन है, सही है। इसमें दोनों में मैं लाइन टर्मिनेटर ना लगाऊं कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके ले आता हूँ इसी सेम लाइन में तो अब क्या हो गया, ये एरर हो गया। तो मुझे लाइन टर्मिनेटर के जरिए दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ पे एक स्टेटमेंट ख़त्म है, यहाँ पे एक लाइन टर्मिनेट हो चुकी है, अगली लाइन है उसके बाद वाली, ठीक है। इसको भी मैंने टर्मिनेट कर दिया जो कि ऑप्शनल था, लेकिन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे पास अगर 100 लाइन का कोड है ना, मैं पूरा सिंगल लाइन में भी कर सकता हूँ, इवन दो के फॉर लूप के आखिर में भी ना मुझे लाइन टर्मिनेटर यहाँ लगाना चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी लाइन जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, उसमें ये रिक्वायर्ड होता है, अगर आप किसी भी लाइन के आखिर में टर्मिनेटर ना लगाएं वो एरर देता है आपको, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये ऑप्शनल है, ठीक है। इवन दो के फॉर लूप के बाद भी आपको लाइन टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी होता है दूसरी लैंग्वेजेस में, इसमें नहीं है। अच्छा एक तो ये बात हो गई। अच्छा अब एक मैंने लगाया है सेमी कॉलन इस फॉर लूप के अंदर, इस फॉर लूप के अंदर जो मैंने सेमी कॉलन लगाया हुआ है दैट इज़ नॉट अ लाइन टर्मिनेटर,
ये लाइन टर्मिनेटर नहीं है, दिखने में तो ऐसा ही है लेकिन ये असल में फॉर लूप का कंस्ट्रक्ट है ये, ठीक है। फॉर लूप की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें बताती है कि यार आपको ये तीनों पैरामीटर ना बीच में सेमी कॉलन लगा कर देना है, ठीक है। आप इसको वैसे लाइन टर्मिनेटर बोल भी सकते हैं लेकिन ये इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से ऐसा है। अच्छा भाई जी, नहीं लाइन चेंज कर सकते हैं वैसे तो जैसे कंसोल डॉट लॉग है ना, अब इसको मैं यहाँ से लाइन चेंज कर दूँ, मैं यहाँ से भी लाइन चेंज कर दूँ तो देखो कुछ हुआ तो नहीं है, इसको एरर तो नहीं दिया, सही चल रहा है। यहाँ से लाइन चेंज कर दूँ मैं इसकी, यहाँ से कर दूँ, यहाँ से कर दूँ, सही है। टर्मिनेटर हटा के भी सही चलेगा, शर्त यह है कि इसी लाइन में फिर दूसरी लाइन ना आ जाएगी, ठीक है। लाइन चेंज आप कर सकते हैं लेकिन जाहिर है अभी इसको मैं देखो, अब ये असल में ये बहुत छोटा सा लाइन था, मैंने ज़बरदस्ती इसको लाइन चेंज कर दिया, तो ये लाइन चेंज होने के बाद कुछ वाहियात सा लग रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। तो कहीं पे भी आपकी अगर लाइन लंबी हो रही है तो उसको आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी जैसा कि मैंने फॉर लूप को यहाँ से डिवाइड कर दिया था ना तीन जगह, जैसे ही ये लाइन लंबी हुई थी तो मैंने तीन जगह डिवाइड कर दिया था थोड़ी देर पहले, मैंने जब कंसोल लगाया हुआ था तीनों पर, तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल जी। और किसी का अगर कोई सवाल है इस फॉर लूप के मुताबिक, ठीक है, एरे फॉर लूप के लिए बना है, फॉर लूप एरे के लिए बना है, दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार। अच्छा फॉर लूप के अंदर एक मसला भी है, फॉर लूप के अंदर एक मसला ये है कि फॉर लूप में ना बहुत इजीली क्या हो जाता है, बहुत ईजली जो है ना ये इन्फिनिटी हो जाता है फॉर लूप के साथ, ये मसला है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये अभी इन्फिनिटी हो गया, बहुत ईजली हो जाता है, सही है। ज़रा सी आपने कुछ आगे पीछे किया, गड़बड़ की कोड में, इन्फिनिटी फ़ौरन हो जाता है। अच्छा तो अब हम देखते हैं फॉर लूप को चलाने का एक मुख्तलिफ तरीक़ा देखते हैं, ठीक है। फॉर लूप को चलाने का एक मुख्तलिफ तरीक़ा हम ज़रा देखते हैं। अच्छा आप नोट करें, जब ये इन्फिनिटी होता है ना तो पूरा पीसी स्टक हो जाता है, प्रोसेसर बिल्कुल ऊपर छत से जाके लग जाता है। मुझे मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना अपना ये बंद करना पड़ेगा। यहाँ से मैं CPU से क्रैश करवा देता हूँ ना इसको, मैंने कहा भाई फोर्स क्विट, टास्क मैनेजर से जाके मैंने इसको उड़ा दिया। ठीक है भाई, टास्क मैनेजर से उड़ाते ही क्या हुआ, ये भी डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा से इसका कॉपी पास करता हूँ मैं, दोबारा से इसका कॉपी बात करने के बाद
दोबारा से इसको मैंने ओपन कर लिया और मैंने वो हटा दिया, उसका इन्फिनिटी वाला जो एलिमेंट था ना वो मैंने हटा दिया। अच्छा अब ये समझ में आ गया हमें कि भाई ये क्या सीन है कि हम फॉर लूप चला के एरे पे ट्रैवर्स कर सकते हैं। अच्छा एरे के साथ कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये एरे है, ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 सही है, 5 कर देते हैं। मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, मेरे पास एक और एरे है ARR2 जिसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली है वो। अब मुझे मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है मुझे कि एरे वन के अंदर जो भी मौजूद है, मिसाल के तौर पे 5 है ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करके मैं पूरे एरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो जाहिर है मुझे हर एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा और हर एक एलिमेंट पे जाके उसकी वैल्यू उठा के उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ना सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा बल्कि एक दूसरे एरे में उसको रखवाना भी होगा, ऐसा ही है ना, एक दूसरे एरे में रखवाना भी है। तो क्या ये भी मैं फॉर लूप से कर सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ। अच्छा अब मैं यहाँ पे आऊँगा, एक तो मैंने कॉन्सोल करा दिया, ठीक है, कॉन्सोल मैंने करवा दिया। अब मैं अगला काम क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि ARR1 का इंडेक्स जो है i, उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे जो भी रिजल्ट आना होगा वो आ जाएगा। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने पकड़ना है एक अदद वेरिएबल में। अच्छा वो कौन सी जगह जहाँ रखवाना है, ARR2 के कौन से इंडेक्स में रखवाना है, सेम इंडेक्स में, आई इंडेक्स, ठीक है, जिस ARR1 के जिस इंडेक्स से उठा रहा हूँ ARR2 के उसी इंडेक्स पे मुझे मल्टीप्लाई करके उसको रखवाना है। रखवा दिया मैंने। अब ये लूप ख़त्म होने के बाद जब मैं ARR2 को जब मैं कंसोल करूँगा तो उसमें मुझे वैल्यूज नज़र आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये मेरा कोड सही है तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए 2 से मल्टीप्लाई हुए भी वैल्यूज़। तो पहले इंडेक्स में 10 होगा, दूसरे में 16 होगा, तीसरे में जो है वो 68 होगा, सही है, एंड सो ऑन। ठीक है, 10 16 68 एंड सो ऑन, ये हो गया। तो एरे पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मुझे ये ज़रूरत पड़ सकती है। एक और हम यूज़ केस देख लेते हैं इसका छोटा सा। मिसाल के तौर पर आपको इनपुट लेना है 10 दफ़ा, सही है। मिसाल के तौर पे आप मार्कशीट बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, एक अदद मार्कशीट बनाना चाह रहे हैं आप, या कोई ऐसी ऐप आपने बनाई है जिसमें 10 वैल्यूज़ आप यूज़र से इनपुट लेते हैं, और 10 वैल्यूज़ इनपुट लेने के बाद उसका आप कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाते हैं, या उसका एवरेज निकाल के दिखाते हैं, या उसका मीन या मीडियन वगैरह दिखाते हैं निकाल के। तो जाहिर है उसमें आपको 10 दफ़ा इनपुट लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आप इनपुट लेने वाला जो कोड है वो 10 दफ़ा लिखना चाहते हैं, कैसे करेंगे आप? अच्छा एक तरीका है, फॉर्म से भी आप ले सकते हैं इनपुट, ठीक है। तो अभी 10 दफ़ा आपको इनपुट लेना है, 10 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, कहाँ से मिलेगी, यूज़र के पास से मिलेंगी। तो उसके लिए भी आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा लेट आई इक्वल्स टू 0, आई जब तक छोटा रहे किससे, 10 से, क्योंकि मैं 10 दफ़ा, चलो 5 कर देते हैं, 10 बहुत लंबी हो जाती है, और आई मैंने कहा आई प्लस प्लस, क्या हो गया इसको, ये आई प्लस प्लस, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने कहा लेट जो भी मेरी वैल्यू है, मैंने कहा कि यार वैल्यू इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट से क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, इसमें लिखने की कोई चीज़ आ जाती है, प्लीज़ एंटर अ वैल्यू, ठीक है जी, ये मैंने प्लीज़ एंटर वैल्यू कर दिया। अब जाहिर है मुझे इसको स्टोर भी करवाना है कहीं ना कहीं। 10 वैल्यूज़ को मैं कैसे स्टोर कराऊंगा, क्या मैं 10 वेरिएबल बनाऊँ अलग अलग, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे एक अदद एरे ही बनाना होगा, यहाँ पे एरे के बगैर मेरा काम नहीं होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ देर पहले ही जो एरे हमने पढ़ा था उसका सेंस नहीं बन रहा था कि यार हम वेरिएबल अलग अलग बनाने में और एरे में बनाने में क्या फ़र्क है, लेकिन अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि एरे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल अलग से जो है वो कम बनते हैं, एरे ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि वैल्यूज़ इक्वल्स टू एम्प्टी एरे।
अच्छा ये हम शुरू में भी डिस्कस कर चुके थे, एरे का जो नाम होता है ना उसमें एस होता है, ये कन्वेंशन है कि अगर कोई वेरिएबल में एस लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो एरे है, ठीक है। आमतौर पर डेवलपर एरे के नाम के साथ एस लगाते हैं, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप सिंगुलर वेरिएबल बनाएं जैसे नंबर या स्ट्रिंग के लिए तो उसमें एस का इस्तेमाल ना करें, लेकिन जब एरे का आप नाम रखें तो उसमें एस का इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि देखने वाले को देखते ही पता चल जाए ये एरे है, एस लगा हुआ है। तो मैंने वैल्यूज़ कर दिया इसको एम्प्टी एरे, इसके वक्त ये है एम्प्टी एरे मौजूद है, लेकिन इसमें मैं वैल्यूज़ पुश करवा सकता हूँ, ऐसा ही है, मैं वैल्यूज़ पुश करवा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे करवाया था, ये भी एक तरीका है पुश करवाने का, और एक डॉट पुश का मेथड भी होता है इसमें, उससे भी वैल्यूज़ पुश होती रहती हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा भाई जो भी कुछ वैल्यू में मुझे मिला है ना, मैंने कहा वैल्यूज़ डॉट पुश वैल्यू, ठीक है, जो भी मुझे यहाँ पे चीज़ मिली है, बल्कि इसको मैं न्यू वैल्यू कर देता हूँ, न्यू वैल, सही है, दैट इज़ मच बेटर नेम। तो न्यू वैल मुझे जितनी बार मिलेगा, पांच दफ़ा मिलेगा, पांचों दफ़ा मैं क्या करवा रहा हूँ, पुश करवा रहा हूँ। अब ये लूप ख़त्म होने के बाद जब मैं कॉन्सोल करूँगा, कॉन्सोल डॉट लॉग और वैल्यूज वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे ये पहला इनपुट आ गया, मैंने कहा 12, 23, 43, 12, 3, ये सारी वैल्यूज़ उसी तरह से प्रिंट हो गई मेरे पास जिस तरह से मैंने दी थी। दोबारा से एक्सप्लेन करो, 12, 34, 45, 67, 3। हाँ भाई ये वाला कोड अच्छे से देखो, इस कोड में अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछो। दस दफ़ा लेगा, 10 नहीं करते हैं, इसको कम कर देते हैं ना, 10 बहुत लंबी हो जाती है, 3 कर देता हूँ, अब मुझसे ये 3 दफ़ा लेगा। मैं जितनी दफ़ा ये लूप घुमाऊँगा ये कोड उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। हाँ ऐसा ही है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इसको 0 से शुरू करना अच्छी प्रैक्टिस है, इसको 1 से भी शुरू कर सकता हूँ मैं, मसला नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है इसको मैं 0 से शुरू करूँ। अच्छा ये रिवर्स में भी चल जाता है ना लूप, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको शुरू करूँगा 0 से और इसको मैं कहूँगा -10 तक चलो, और यहाँ पे मैं आई माइनस माइनस करूँगा तो वो माइनस में भी चलता है, कोई इशू नहीं है अभी, लेकिन माइनस में नहीं चला रहे हम, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। पहली दफ़ा में नाम, दूसरी दफ़ा में एज, तीसरी दफ़ा में कुछ और, तो मैं यहाँ पे लेट लेबल्स ऐसे करके बना सकता हूँ। मैंने कहा भाई लेबल में पहले में नेम, ठीक है, दूसरे में क्या एज, तीसरे में रोल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बैक टिक लगा दूँगा, ठीक है, मैं कहूँगा प्लीज़ एंटर योर नेम योर एज योर लगा देता हूँ योर। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, लेबल्स का कौन सा इंडेक्स, लेबल का आई इंडेक्स, सही है। तो जब ये लूप पहली दफ़ा घूमेगा तो आई में क्या होगा, 0 होगा, तो ये लेबल्स का 0 इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, और वैल्यू पुश कहाँ हो जाएगी, वैल्यूज़ के 0 इंडेक्स पे पुश हो जाएगी,
सही है, तो ये भी एक बात आ गई। जी दोस्त, सही, जैसे फॉर्म के अंदर हम वैल्यूज डाल रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं हमने तीन वैल्यूज जो डाली है ये भी शो करें, उसके बाद ये तीनों को आपस में प्लस करके इनका रिजल्ट भी शो करें, ऐसा हो जाए। क्या मतलब समझा नहीं मैं। जैसे मिसाल हमने तीन रॉम में वैल्यू डाली 10, 20, 30, अब ये भी शो करें कंसोल डॉट लॉग, अब इसका आंसर प्लस कर दे भी दें। हाँ, एक तो वैल्यूज ही आ गई ना तुम्हारे पास, अब तुम ये चाह रहे हो ये जो वैल्यूज मेरे पास तीन इनपुट आए हैं तीनों को सम करके भी प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे एक फॉर लूप और चलेगा नीचे। तो वैसे सेम लूप में भी हो सकता है, लेकिन जस्ट टू कीप इट क्लियर हम इसको एक और लूप चला देते हैं, आई जब तक छोटा रहे। अब किससे छोटा रहे? वैल्यूज से, क्योंकि वैल्यूज में जो जो कुछ है उसको मुझे सम करना है ना, जो हम शुरू में भी कर चुके हैं, वैल्यूज डॉट लेंथ, सही है। और मैंने कहा कि आई प्लस प्लस, अब ये एक लूप मैंने और चला दिया वैल्यूज जितना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं सम कर दूँगा। यहाँ पे जाहिर है मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल भी चाहिए होगा सम, सही है ना, जिसके अंदर मैं सब चीज़ें डालूंगा। इसको मैंने कर दिया ज़ीरो, शुरू में ज़ीरो है, जो जो प्लस करता जाऊँगा प्लस होता जाएगा। मैंने कहा कि सम इक्वल्स टू सम प्लस और क्या वैल्यूज का इंडेक्स आई, सही है। तो जो तीन वैल्यू मैं डालूंगा ना इसके अंदर, इस लूप के अंदर, वो यहाँ प्रिंट होंगी तीनों वैल्यूज, उसके बाद एक लूप चलेगा जो उन वैल्यूज को सम करके ना एक सम के वेरिएबल में डाल देगा। यहाँ पे जब मैं इसको कंसोल करूँगा तो क्या होगा, वो तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैंने कहा सम सम आया, मैंने कहा देखो प्लीज एंटर योर नेम आ गया, लेकिन जस्ट इन केस मैं इसमें, चलो अभी नेम ही लिख देता हूँ मलिक, क्योंकि अगर नेम स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग को जब प्लस करते हैं तो क्या होता है कॉन्कैटिनेट, तो लास्ट में वो कॉन्कैटिनेट होकर नजर आ जाएगा मुझे। मैंने कहा मलिक, मैंने कहा भाई एज, मैंने कहा एज 30 और रोल 23, ठीक है। देखो नीचे ये पूरा ऐसे प्रिंट हो गया, आगे उसमें पहले से ज़ीरो था, ठीक है, पहले से ज़ीरो था उसके अंदर, वो भी कॉन्कैट हो गया, मलिक हो गया, 30 हो गया, 23 हो गया, ये पूरा कॉन्कैट होकर शो हो गया, सही है। ये नीचे वाला उड़ा देता हूँ जो सम वाला, जी भाई इसके अंदर मजीद किसी का कोई सवाल? अब हम सोचते हैं कि इस फॉर लूप से अब हम क्या बनाएं, बनेगा क्या, सही इस्तेमाल कहाँ होगा? एक तो हमने जब सिंगल सिर्फ लूप पढ़े थे उससे तो हमने टेबल प्रिंट करवा लिया था, अब इससे हमें कुछ क्रिएटिव करना है। जल्दी से सोच के बताओ इससे क्या बनेगा। हाँ भाई बताओ, एक अगर हम बना लें मार्कशीट जनरेटर जिसमें एक फॉर्म हो और उस फॉर्म के अंदर क्या हो, बंदा सारे सब्जेक्ट्स का खाना बना हो, उसकी वैल्यूज़ पुट करे और उसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसका नीचे मार्कशीट बनाकर दिखा दो, सही है। अच्छा, इसमें लूप कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? लूप इसमें सिर्फ एक पॉइंट पे इस्तेमाल हो रहा है कि जो जो वैल्यूज़ बंदे ने एंटर किए वो सारी वैल्यूज़ क्या करेगा, वो उसको उठा के सम करेगा, ठीक है, ये उसके अंदर सिर्फ इस्तेमाल होगा। बल्कि नहीं यार, ये तो बगैर लूप के भी हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो एक एक करके ही उठाओगे ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो वो सारे वेरिएबल को ही प्लस कर दोगे, लूप तो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। जल्दी से कुछ क्रिएटिव सोचो कि इससे हो क्या सकता है।
गेट एलिमेंट का आईडी क्या है और गेट एलिमेंट का टैग है और सारे इनपुट के टैग क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर में सारे इनपुट के टैग एरे लगा लेंगे और कुछ एरे पे डॉट वैल्यू लगा दो उससे मेन में चार भी हो सकता है जी दोस्त। हाँ टाइम में एरे रूप कैसे इस्तेमाल होगा स्टॉपवॉच होता है डिजिटल भी है। हाँ स्टॉपवॉच सर अभी बनेगा स्टॉपवॉच लूप से कैसे बनेगा उसको तो साइड इंटरनल से बनाएंगे ना सोचो सोचो भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है ये बड़ी अच्छी बात की इसने लेकिन उसमें लूप तो इस्तेमाल हो रहा है एरे इस्तेमाल नहीं हो रहा फिर डेटा स्टोर कर डेटा स्टोर करने का क्या यही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या सोचो भाई सोचो जल्दी जल्दी सोचो चलो खैर छोड़ो अच्छा अभी हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं एरे का सही है सॉरी लूप का एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद खुद ही जहन में कुछ ना कुछ आएगा तो देख लेंगे। अच्छा जी तो ये तो बात हो गई हमारे पास सिंगल वैल्यू की या सिंगल डायमेंशन एरे की बात हो गई। क्या था अच्छा सिंगल डायमेंशन एरे क्या था लेट ए आर आर वन इक्वल्स टू के भाई ऐसे एक वैल्यू ऐसे लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन एरे। इसको थोड़ा फासला फासला कर लूँ कोड में ताकि पता चले कौन सा अलग अलग है। ये तो एक वन डायमेंशन एरे था सही है। ऑन अदर हैंड मैंने कहा कि लेट टू डी ए आर आर टू डी सही है टू डी एरे है मेरा ये मिसाल के तौर पे। अब टू डी एरे कैसा होता है टू डी एरे ऐसा होगा कि एक एरे होगा उसके हर इंडेक्स पे एक एक एरे होगा हो सकता है ना। हमने शुरू में ये देख लिया था कि एरे के अंदर नंबर भी हो सकता है स्ट्रिंग भी हो सकता है बूलियन भी हो सकता है और एक दूसरा एरे भी हो सकता है। तो मिसाल के तौर पर पहले इंडेक्स में एक एरे है ठीक है पहले इंडेक्स में एरे जिसमें लिखा हुआ है टू थ्री फोर सही है ये पहले इंडेक्स में एक पूरा एरे आ गया। अब इसका दूसरा इंडेक्स है कॉमा दूसरे इंडेक्स में भी क्या है एक अदद एरे है जिसमें लिखा हुआ है बल्कि उसको ना मैं सीक्वेंस से लिखता हूँ वन टू थ्री करके लिखता हूँ वन टू थ्री है पहले इंडेक्स में दूसरे इंडेक्स में फोर फाइव सिक्स है ठीक है तीसरे इंडेक्स में फिर एक और एरे है सेवन एट नाइन ठीक है। तो अब ये क्या हो चुका है टू डायमेंशन एरे हो चुका है अब ये क्या हो चुका है टू डायमेंशन एरे ठीक है। थोड़ा सा मैं लाइन ब्रेक कर लेता हूँ जस्ट टू मेक इट क्लियर लाइन ब्रेक कर रहा हूँ वैसे लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे ठीक है। मैंने ये लाइन क्या कर ली ब्रेक कर ली। अच्छा भाई क्या फील हो रहा है इसको देख के कुछ याद पड़ रहा है मैट्रिक्स सही है। अच्छा अब आपको इस पॉइंट पे मैं बताना चाहूँगा कंप्यूटर ग्राफिक्स जितनी भी चल रही है ना वो इस 2D एरे के ऊपर चल रही है। कंप्यूटर ग्राफिक्स जितनी भी चल रही है पूरा फोटोशॉप जो चल रहा है ना वो इस 2D एरे के ऊपर चल रहा है ठीक है। फोटोशॉप अगर कोई प्रो लेवल का यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसमें मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड जो होता है ना वो असल में यही होता है। आपके पास जो इमेज होती है वो क्या होती है 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल की इमेज होती है तो वो असल में 1000 बाई 1000 का 2D एरे है। वो एक इमेज ये जो है वो 1000 बाई 1000 का 2D एरे है और हर यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है 3 बाई 3 का एरे है इस वक्त ठीक है। तो ये इमेज है जो 3 बाई 3 पिक्सल की इमेज है और हर पिक्सल की जगह पे
कोई कलर है, ठीक है, तो पूरा कंप्यूटर ग्राफिक इसी के ऊपर चल रहा है, 2D एरे के ऊपर, ठीक है। बहरहाल हम जावा स्क्रिप्ट में तो कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं कवर करने जा रहे, लेकिन जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये बात बता रहा हूँ। वेल, लेकिन प्रोग्रामिंग में और भी बहुत सारी जगहों पे आपको 2D एरे का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। 2D एरे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने ये जिक्र किया था कि एरे लूप के लिए बना है, लूप एरे के लिए बना है, तो अब मैं लूप चला कर कैसे इस पर ट्रैवर्स कर सकता हूँ, कैसे इस एलिमेंट को पूरे को मैं प्रिंट करवा सकता हूँ लूप चला के, किसी को आइडिया है, हो रहा है किसी को आइडिया? लेट आई इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइज हो गया, आई जब तक छोटा रहे किससे, arr 2d डॉट लेंथ, और उसके बाद आई प्लस प्लस, लूप के अंदर लूप लगेगा, सही है। जैसे कि मेरे पास एरे के अंदर एरे है, तो 2D एरे को या 2D एरे को एक्सेस करने के लिए मुझे 2D का लूप लिखना पड़ेगा, ठीक है, या नेस्टेड लूप भी उसको कहते हैं समटाइम, ठीक है। इसको भी ना नेस्टेड एरे भी कहते हैं। देखो, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है, नंबर एक 2D एरे, नंबर दो क्या काम है ना, नेस्टेड एरे, ठीक है, नंबर थ्री क्या काम है ना, नहीं दो ही नाम बताए, ठीक है। अच्छा, लूप को मैंने क्या कहा, 2D लूप या नेस्टेड लूप, और कोई तीसरा नाम भी बताया मैंने क्या, दो नाम है, ठीक है। तो ये दो एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम है। अच्छा, अब ज़रा इसको हम ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो मैंने लिखा है इससे होगा क्या, फिर हम 2D लूप भी लिखेंगे। कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, मैंने कहा कि आइटम, और मैंने कहा कि arr2d का इंडेक्स i। अब इतना जो मैंने किया है काम, ये सिंगल डायमेंशन लूप को इसी तरह हम ट्रैवर्स करते थे, इतना काम करने से i में, पहले तो मुझे ये बताओ इसके लेंथ में क्या मिलेगा, ठीक है, 3 मिलेगा, क्योंकि ये जो 2D एरे है इसकी खुद की जो लेंथ है वो 3 है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट। उस एलिमेंट के अंदर क्या है उसको ये नहीं देखेगा, वो लेंथ से बस ये बाहर वाली लेंथ लेकर आ जाएगा कि उसकी खुद की लेंथ क्या है। तो मुझे 3 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, चल पड़ा भाई लूप मेरा, अगर 3 है तो फिर तो सही है, आई में पहली दफ़ा 0 है, इसमें 3 है तो ये ट्रू है, 1 लिख दिया मैंने, देखो ये गलत आदत है ना, 0 से होगा, हमेशा 0 से होगा ये। अच्छा, तो आई में मेरे पास पहली दफ़ा क्या होगा, 1 होगा और 0 होगा। अच्छा, तो 0 इंडेक्स इसका प्रिंट हो जाएगा। इस एरे के 0 इंडेक्स पे क्या है, ये पूरा एरे है, ये पूरा एरे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा एरे क्या हो जाएगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा एरे है इस पे भी मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ, तो मैं इस पॉइंट पे एक लूप और लगाऊंगा। अच्छा, पहले इतने को चला कर देखते हैं, सही है, इतने को चला के देखते हैं कि तीनों एलिमेंट पे वो, देखो पहला आइटम पूरा एरे, पहला दूसरा आइटम पूरा एरे, तीसरा आइटम पूरा एरे, पूरा पूरा एरे प्रिंट हो रहा है, एक वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, सही है। तो अब मैं इस पॉइंट पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक फॉर लूप और चला देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ बल्कि। अब इसका नाम मैं क्या रखूँगा, जे, आई के बाद जे, ठीक है, सेकंड मेरा, क्योंकि जाहिर है दोनों वेरिएबल मुझे चाहिए एट द सेम टाइम। मैंने कहा जे जब तक छोटा रहे, किससे छोटा रहे, अब की बार जिस एरे पे मुझे ट्रैवर्स करना है उससे छोटा रहे। तो अब मैं अब की बार मैं किस एरे पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मैं इस पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, इस पे कर रहा हूँ ना, अंदर पहुँच चुका हूँ। तो अब मैं क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा 2D का इंडेक्स i जो है ना उसकी लेंथ। नोट कर रहे हो, ये बात समझ आई कि इसको तो मैंने प्रिंट करवा दिया, 2D एरे का जो इंडेक्स 0 था वो प्रिंट हो गया, ठीक है, 2D एरे का जो इंडेक्स 0 था उसमें ये बात प्रिंट हुई है, तो ये तो हो गया प्रिंट। लेकिन अब मुझे इस पर ट्रैवर्स करना है, तो जाहिर है फिर मैं, जाहिर है जब लेंथ की बात आएगी तो मैं इसी की लेंथ लिखूंगा ना, तो मैंने इसकी लेंथ लिख दी यहाँ पर। जी दोस्त, ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये वाला कर देता हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो दोबारा से समझाता हूँ मैं। एक मेरे पास एरे है, अब ये एरे 2D, अब ये 1D एरे नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए अब मैं लूप भी क्या लिखूंगा, 2D लूप लिखूंगा या नेस्टेड लूप लिखूंगा, एक के अंदर एक।
अच्छा इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे मुझे ये जो वैल्यू है वन, इसको एक्सेस करने के लिए क्या लिखना होगा? ए आर आर टू डी का इंडेक्स क्या लिखूँगा? ज़ीरो, और फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं वन, यही लिखूँगा मैं। मैंने कहा भाई कॉन्सोल, मैं एक एक करके हाथ से एक्सेस करता हूँ पहले, फिर प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करूँगा। प्रोग्राम डॉट लॉग, दोबारा ज़ीरो आएगा, एक्चुअली वन नहीं आएगा, सही बात है। ठीक है, ये मेरा पहला एलिमेंट एक्सेस हो गया। अब दूसरा एलिमेंट एक्सेस कैसे होगा? ज़ीरो वन होगा यहाँ पे अब। ठीक है, मतलब ज़ीरो पे मुझे पूरा ये मिल रहा है ना, और ज़ीरो फिर आगे उसका इंडेक्स मुझे, ज़ीरो लिखूँगा तो ये, वन लिखूँगा तो ये, टू लिखूँगा तो ये, तो अगला एलिमेंट एक्सेस करने के लिए ज़ीरो टू, सही है। ये शुरू के तीन एलिमेंट मैंने एक्सेस कर लिए। अब मुझे ये एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूँगा पहले? टू डी एरे का इंडेक्स नंबर वन, ठीक है, और उसके अंदर का ज़ीरो, तो वन ज़ीरो होगा मेरे पास अब, सही है, वन ज़ीरो, फिर वन वन, फिर वन टू, सही है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा? मुझे अब ये सेवन को एक्सेस करना है, तो टू डी एरे का इंडेक्स नंबर ज़ीरो, सही है, उसके बाद ये वन, उसके बाद ये टू, तो पहले मैं लिखूँगा टू डी एरे का इंडेक्स नंबर टू लिखूँगा, उसके बाद सेवन मुझे करना है, तो उसका ज़ीरो है, तो यहाँ ज़ीरो लिखूँगा मैं, सही है, फिर उसके बाद वन लिखूँगा, फिर उसके बाद टू लिखूँगा। ये सब लोगों को समझ आया कैसे एक्सेस हो रहा है? क्योंकि अब ये पहले भी पढ़ चुके हैं टू डी एरे को एक्सेस करना, ठीक है। इसी तरह ये रीड भी होता है, इसी तरह ये मॉडिफाई भी होता है। तो ये हमने हाथ से इसको एक्सेस करके देख लिया पहले तो। अब हाथ से एक्सेस करने के बाद ज़रा मैं इन सबको छोड़ देता हूँ, और मैं जस्ट एक सिंपल से टू डी एरे लिख के ना उसको ज़रा मैं क्या करता हूँ, 5x5 का मैं एक टू डी एरे लिखने जा रहा हूँ, और टू डी लूप लिखने जा रहा हूँ, टू डायमेंशन लूप लिखने जा रहा हूँ, या नेस्टेड लूप लिखने जा रहा हूँ। और मैं इसको कहता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैंने क्या कहा, आई कॉमा जे, सही है, दोनों को प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, आई और जे को। अब इसको ड्राई रन भी करके देखेंगे हम कि ये नेस्टेड लूप चल कैसे रहा। अभी एरे को भूल जाओ, अभी एरे नहीं है, अभी जस्ट ये नेस्टेड लूप है, ठीक है, जस्ट ये नेस्टेड लूप है। पहले हम इस लूप को समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसको 2D एरे को भी देख लेंगे कि वो कैसे एक्सेस होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक अदद 2 डायमेंशन लूप है। अब देखो हुआ क्या, मैंने कहा कि फॉर का लूप आ गया, मैंने कहा आई इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया, मैंने कहा आई जब तक छोटा रहे 5 से, तो ये 5 दफ़ा चलेगा ये वाला लूप, ठीक हो गया। उसके बाद जब ये लूप यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जब ये इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करने जाएगा, तो मेरे कंट्रोल को क्या नज़र आएगा, यहाँ पे एक अदद फॉर का लूप और है, ठीक है। तो अभी देखो इसकी बॉडी ही एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन बॉडी एग्जीक्यूट होने के दौरान एक फॉर लूप और मिल गया। अब यहाँ पे लेट क्या है, लेट जे इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक नया वैल्यू, क्योंकि ज़ाहिर है आई के नाम से ना इस ब्रैकेट के अंदर अंदर मैं आई के नाम से दूसरा नहीं बना सकता, तो मुझे अब नाम चेंज करना होगा, तो मैंने जे के नाम से बना लिया। कुछ भी नाम से बना सकते हो, ठीक है, नाम पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आम तौर पे लोग क्या करते हैं, आई जे के ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे बनाओ तो था, तो मैंने कहा आई इक्वल टू ज़ीरो। अभी देखो इसकी बॉडी के अंदर ही है ये, अभी कहीं नहीं गया, बॉडी इसकी जो आई वाले की बॉडी पहली दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ इसने देखा भाई एक और फॉर लूप है, यहाँ पे मैंने कहा लेट जे इक्वल टू ज़ीरो, एक जे के नाम से वैल्यू बनाया, मैंने कहा जे जब तक छोटा रहे 5 से, तो ये लूप भी 5 दफ़ा चलेगा, ठीक है, और जे प्लस प्लस कर दिया मैंने। अब जब यहाँ पे ज़ाहिर है ये पहली दफ़ा ये चला, इसने कंडीशन चेक किया, इसने कहा ठीक है भाई कंडीशन तो ट्रू है, तो अब इसकी बॉडी 5 दफ़ा चलेगी, ठीक है, बाहर वाला लूप एक दफ़ा चलेगा, इसकी बॉडी 5 दफ़ा चलेगी। अच्छा, अब इसकी बॉडी जब पहली दफ़ा चली, आई में क्या मौजूद है इस वक्त, ज़ीरो मौजूद है, जे में क्या मौजूद है, ज़ीरो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है इस लूप के अंदर ये फंस चुका है, जब तक ये लूप पूरा ख़त्म नहीं होगा ये लाइन नंबर 82 पे नहीं पहुंचेगा, ये लाइन नंबर 83 पे नहीं पहुंचेगा, तो फिर ना बाहर वाले पे घूम के जाएगा। तो अब ये फंस चुका है यहाँ पे, 5 दफ़ा इसको चलाएगा ये, तो अब इसको 5 दफ़ा जब चलाया, तो पहली दफ़ा क्या हुआ, जे में ज़ीरो था प्रिंट हो गया, फिर जे प्लस प्लस हुआ, फिर जे में 1 प्रिंट हो गया, फिर जे प्लस प्लस हुआ, जे में 2 प्रिंट हो गया।
तो नतीजतन यहाँ पे कुछ इस तरह की प्रिंटिंग हो गई, 0.1 सही है, उसके बाद 0.2, ये 1.2 जो है ना ये जे है, सॉरी ये 0 ही होगा, सही है, ये जो 1 है ये जे है, और उसके बाद 2, ठीक है, जाहिर है फिर 3 भी चलेगा, फिर 4 भी चलेगा, क्योंकि 5 दफ़ा चलता है ना लूप मेरा, ये 5 दफ़ा है, तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा पहली आइट्रेशन में, ठीक है, 5 दफ़ा जब ये घूमेगा जे वाला, तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, नहीं अभी तो मैं एरे है ही नहीं ना मेरे पास, अभी जस्ट लूप को समझो, मैं 2-डायमेंशन लूप को या नेस्टेड लूप को ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ कि ये चलेगा कैसे। अभी मैंने इसको हार्ड कोडेड किया हुआ है कि बाहर वाला भी 5 दफ़ा चले, अंदर वाला भी 5 दफ़ा चले, ठीक है। अच्छा तो हम ये बात अभी तक समझ चुके हैं कि बाहर वाला 1 दफ़ा चलेगा, अंदर वाला पूरा 5 दफ़ा चलेगा, ठीक है, फिर ये घूम के वापस आएगा, फिर बाहर वाला 1 दफ़ा और चलेगा, अंदर वाला पूरा 5 दफ़ा चलेगा, तो टोटल ये लूप कितनी बार चलेगा, अंदर वाला 25 दफ़ा चलेगा, बाहर वाला 5 दफ़ा चलेगा, सही है। तो अब ज़रा इसको देखते हैं स्क्रीन पे क्या प्रिंट होता है। स्क्रीन पे ना कुछ इस तरह की चीज़ प्रिंट हो गई है। अरे क्या हुआ, ये डबल डबल आ रहा है क्या? अच्छा एक तो वो है ना जो मैंने हाथ से एक्सेस किया था, ये वो आ रहा है ऊपर जो हाथ से एक्सेस किया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा आ गया। अब यहाँ पे देखो ज़रा जो लूप चला है ना उसमें 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 उसके बाद 1 से शुरू, 5 दफ़ा क्योंकि मेरा लूप चल रहा है, ठीक है। नोट करो कुछ इसी तरह का पैटर्न आया, जैसे 2-डायमेंशन एरे का आता है वैसे ही आया ना, 2-डायमेंशन एरे का, फिर 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 सही है, फिर उसके बाद 2, 0, 2, 1, 2, 2 सही है, 2, 3, 2, 4 सही है। इसके ज़रा मैं कम कर देता हूँ, अभी 5-5 दफ़ा हुआ है ना, मैं 3-3 दफ़ा कर देता हूँ, सही है 3 दफ़ा कर दिया मैंने, रिफ्रेश किया, सही है बिल्कुल सेम वही बन गया, 0, 0, 0, 1, 0, 2 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2 ठीक है, 2, 0, 2, 1, 2, 2 अब ज़रा नोट करो यहाँ पे भी सेम वही है सीक्वेंस जो मैंने यहाँ पे किया हुआ। तो आई जो है वो इसकी जगह ले सकता है और जे जो है वो इसकी जगह ले सकता है, जो पैटर्न मेरे पास जिस तरह का बना है ऐसा ही है। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं जाके यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इतना सारा हाथ से लिखा है ना कोड, अब मैं वही क्या करूँगा यहाँ पे लिख दूँगा, मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं इसमें क्या करूँगा, मैंने कहा कि ARR2D का एरे क्या प्रिंट करो आप, IJ। अगर ये मेरा कोड सही है तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्रिंट हुआ था ना कि 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, 6, 7, 8, 9 पूरा 1 से लेके 9 तक जैसे प्रिंट हुआ था यहाँ पर जो हाथ से मैंने लिखा, इसको मैं कॉन्सोल इसको मैं रोक भी देता हूँ भाई, ठीक है। अगर ये मेरा कोड सही है तो वो पूरा मेरे पास एरे एज इट इज़ प्रिंट हो जाना चाहिए। देखते हैं चला के जनाब क्या रिपोर्ट है इसकी, ठीक है, देखो इसी तरह प्रिंट हुआ है 1, 2, 3, 4 और पूरा ये 9 तक प्रिंट हो गया। ये वाला जो कॉन्सोल है ना ये भी लगा हुआ है यहाँ पे, देखो ये कॉन्सोल भी लगा हुआ है, ये कॉन्सोल क्या बता रहा है, आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और नीचे वाला जो कॉन्सोल है ना ये इसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एड्रेस, ठीक है, ऊपर वाला एड्रेस बता रहा है कि कौन से इंडेक्स को, इंडेक्स लिख देता हूँ बल्कि मैं, ठीक है, इंडेक्स और वैल्यू दो चीज़ प्रिंट हो रही है, ठीक है, इंडेक्स था 0.0 उस पर वैल्यू 1 मिल गई, 0.1 उस पर वैल्यू 2 मिल गई, 0.2 उस पर वैल्यू 3 मिल गई। तो हमने अभी क्या किया है, हमने अभी 2-डायमेंशन एरे को 2-डायमेंशन लूप के जरिए एक्सेस किया है, ठीक है, इसको उड़ा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, सही है, ये पूरा कोड आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है आ गया। अब ये हमारे पास एक अदद 2-डायमेंशन एरे था, ठीक है, इसको मैंने 2-डायमेंशन लूप के जरिए एक्सेस किया और एक्सेस करके उसको प्रिंट करवा दिया। अच्छा जब जाहिर है मैं एक्सेस जिस तरह करता हूँ उसको मैं मॉडिफाई भी उसी तरह करता हूँ, तो मैं सेम तरीके से इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इस इंडेक्स के ऊपर मैं कुछ भी रखवा सकता हूँ, ठीक है,
अब ज़रा वो भी करवा के देख लेते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग। मैंने कहा ARR 2D, ठीक है। तो अभी ज़रा हम देखते हैं कि ये सब कुछ प्रिंट होने के बाद ना, देखो मेरे पास ये इस तरह से आ जाता है लास्ट में। मतलब मैंने ऊपर तो हाथ से एक एक करके प्रिंट करवाया, एक एक करके एक्सेस किया, लास्ट में मैंने पूरा जब प्रिंट कराया ना तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि भाई इस पॉइंट पे आके मैं कहता हूँ भाई जो कुछ भी है ना यहाँ पे उसको प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद क्या कर दो, उसको कर दो ज़ीरो। ये मैंने मॉडिफाई भी कर दिया हाथ के आगे उसको, एक तो एक्सेस करके उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाया, साथ साथ मॉडिफाई भी कर दिया। तो जब ये लूप पूरा ख़त्म होगा तो क्या होगा, सारे इंडेक्सेस ज़ीरो हो चुके होंगे। ऐसा ही है, देखते हैं होता है या नहीं होता, ठीक है। ये सब कुछ प्रिंट हुआ, आखिर में सब ज़ीरो हुआ, क्योंकि मैं जैसे जैसे प्रिंट करवाता जा रहा था वैसे वैसे उसको मैं मॉडिफाई भी करता जा रहा था, तो ये सब आखिर में ज़ीरो हो गया। हाँ भाई समझ आया। हाँ प्रिंट तो हो गया ना, वो स्क्रीन से तो नहीं जाता ना कहीं, जब वो स्क्रीन पे एक दफ़ा प्रिंट हो गया तो उसके बाद तो वो नहीं जाता ना कहीं स्क्रीन से। इंडेक्स ज़ीरो करवाऊंगा तो हाँ, ये मैं बात समझा नहीं। ये तो मैं उसी, देखो ये एड्रेस तो किसी ना किसी एरे के किसी पोजीशन का एड्रेस है, एरे के किसी एलिमेंट का एड्रेस है, उसमें मैं कह रहा हूँ जो भी कुछ था पहले वो हटा दो, ज़ीरो रख दो। तो तुम क्या कह रहे हो, इंडेक्स ज़ीरो क्या मतलब, मैं समझा नहीं। आई और जे अगर मैं सिर्फ लिख दूंगा तो, हाँ ये लिखा हुआ, देखो ये आई लिखा हुआ है, ये जे लिखा हुआ है, प्रिंट हो रहा है ये दोनों इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स आई और कॉमा जे, अब इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ कैसा आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है तो आई में ज़ीरो है, जे में ज़ीरो है, दोनों प्रिंट हो रहे हैं। फिर अगली दफ़ा आई में ज़ीरो है, जे में वन हो चुका है, फिर इसी तरह आई में ज़ीरो है, जे में टू हो चुका है, ठीक है। ये आपका एक चल गया, ठीक है। उसके बाद अब ये वन हो गया, आई वन हो गया, जे ज़ीरो है, आई वन है, जे में भी वन है, आई वन है, जे टू हो चुका है, इस तरह करके चल रहा है ये, ठीक है। तो मैंने इंडेक्सेस भी साथ साथ प्रिंट करवाए और मैंने उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवाई है नीचे। अच्छा भाई अब ये समझ में आ गया। अच्छा अभी आप में से कौन है जिसको अच्छे से समझ में आया है, वो ज़रा आगे रिपीट करें, ठीक है। कौन है भाई चीता आप में से, आ जाओ यहाँ पे आके ज़रा एक दफ़ा रिपीट कर दो, ये कोड समझा दो, बस इसको देख के ना ऐसे ये कोड एक दफ़ा समझा दो कि क्या हो रहा है। कर्सर भी पकड़ देना, कर्सर से ऐसे मार्क करते रहना और ज़रा एक्सप्लेन कर दो। आ जाओ भाई कौन है, अच्छा चलो एक असाइनमेंट देता हूँ, 15 मिनट है ना हमारे पास। हाँ ये भी मैं पुश कर दूंगा कोड, कोई मसला नहीं है यार। ये तो पुश कर दिया मैंने कोड, सही है। अच्छा ये पुश नहीं होगा अभी, ये भी तो एक मसला है ना, नहीं वो इंटरनेट का इशू है, यहाँ पे फायरवॉल पे ना गिटहब गलती से पता नहीं ब्लॉक कर दिया जानबूझ के, थिंक ही रह गए हमारी। अच्छा तुमने लास्ट क्लास में कोड डाल दिया था गिटहब पर, लास्ट क्लास में यार कोड लिखा था ना तुमसे, गिटहब पर आया था, तुमने कहा था मैं इनकॉग्निटो को कॉल करा दूँगा, एक सर मैंने कोड डाला था यार, गिटहब मेरे पास नहीं था पिछले क्लास में, जैसे गिटहब चल का आ रहा था, मतलब कोड इसी में पड़ा हुआ है, पिछली से पिछली में डाला, हाँ पिछली से पिछली में ही कोड लिखा, चलो पिछली क्लास में पढ़ाई की नहीं थी वो मेरे पास शो नहीं आ रहा था, मैं पुल करूँगा तो शो जी दोस्त। जी दोस्त
रेडियो बटन, रेडियो बटन तो ये आपने बहुत पुराना एचटीएमएल का सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट में नहीं पता चलेगा, वो गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे ना, डॉट वैल्यू उसकी गेट करेंगे, तो जो चेक हुआ होगा वो इसी की वैल्यू आएगी। हाँ ठीक है, उसकी एग्जांपल्स बनी हुई है W3 स्कूल में ना, देख लेना कैसे होता है, नहीं समझ आया तो बाद में उससे पूछ लेना। अच्छा भाई, अब असाइनमेंट आपके लिए एक है, अभी करना है, अभी वाला, ये घर वाला नहीं है। अबे 15 मिनट तो है ना, अभी क्या हो गया है? तो 10 मिनट का ही असाइनमेंट है भाई। अच्छा तो 5 मिनट समझ लो, 5 मिनट में कर लेना। अरे 10-15 मिनट ऊपर बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हो थोड़ी जाएगा। अच्छा सुनो, असाइनमेंट सुन लो ठीक है। देखो मैट्रिक्स पता है ना सब लोगों को, मैट्रिक्स को प्लस करना आता है सब लोगों को, नहीं आता तो गूगल करो, मतलब ये नहीं कि नहीं आता तो जान छूट जाएगी, ये नहीं होने वाला है। सही है, मैट्रिक्स को सम करना अगर नहीं आता है तो गूगल से देख लो कि दो मैट्रिक, ये ना मैट्रिक्स कहलाता है, ये वाला जो मैथ होता है ना, ये एक वैल्यू है, ये एक मैट्रिक्स है, इसी की तरह का एक और मैट्रिक्स होगा, उन दोनों को प्लस करके ना रिजल्ट एक लेना होता है। ठीक है, तो होता क्या है उसमें कि जो ये वाला इंडेक्स है ना 0,0, वो सामने वाले के 0,0 से प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको करना ये है कि यूज़र से आपने दो मैट्रिक्स इनपुट लेने हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स इनपुट लेने हैं आपने 3x3 के। अच्छा, दो मैट्रिक्स इनपुट लेने के बाद उनको सम कर, वो पूरे स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, इनपुट नंबर 1 का मैट्रिक्स, इनपुट नंबर 2 का मैट्रिक्स और उसके सम का रिजल्ट, ये तीनों चीज़ें स्क्रीन पे क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये असाइनमेंट है, जल्दी से कर लो। सही है, समझ आ गया ना असाइनमेंट, जल्दी से करो। हाँ भैया, मैं बस क्लास पढ़ा रहा हूँ, अभी ख़त्म करूँगा क्लास, हो गया क्या घंटा एड नहीं है, तो क्या बोला उसने, बस यहाँ से। अच्छा चलो, बस हाँ भेजना तो भेज, तुमने बुलाया ही क्यों, मैं तो मना कर रहा था बुलाने में। चलो सही है, मैं 10 मिनट में, मैं 10 मिनट में निकलूँगा यहाँ से, ठीक है ना, अभी मैं यहीं हूँ, 10 मिनट में निकलूँगा। हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, देखो अगर मम्मी कैसे आई कैसे हैं। चलो सही है, 2 बजे को नहीं जा सकते, मैं ही आऊँगा बस, ठीक है, डिस्पोजेबल ग्लास 5 रुपये का मिलता है भाई, डिस्पोजेबल एक ही ग्लास लेना, जब 3-4 में लास्ट टाइम इसने सारे ग्लास ले, हाँ भाई लड़कों हो रहा है ना, हो गया 8 मिनट हैं आप लोगों के पास, जल्दी से कर लो, और जिसका नहीं हुआ छुट्टी बंद है उसकी। हाँ क्या दोबारा रिपीट कर दो, मैं अभी कर देता हूँ रिपीट, कोई मसला ही नहीं है। देखो, 2-डायमेंशन एरे को एक्सेस करने के लिए, ये तो 1 वाले को तो उड़ा दो ना, 1 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी हम 2D एरे की बात कर रहे हैं। 2-डायमेंशन एरे हम उसको कहते हैं कि उसके हर इंडेक्स में एक पूरा एरे मौजूद होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा ये मैंने लाइन ब्रेक की हुई है, आप लाइन ब्रेक ना करें ना, सीधा रखें तो भी सही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने एक लूप ये लिखा, उसके अंदर मैंने एक और लूप लिख दिया। ठीक है, एक बाहर लूप लिखा मैंने, उसके अंदर एक और लूप, के अंदर लूप, एरे के अंदर एरे था, लूप के अंदर लूप आ गया। ठीक है, अगर इसके अंदर जो है ना, एरे के अंदर एक एरे है,
तो लूप के अंदर एक लूप आ गया। अगर एरे के अंदर दो एरे होता है उसको कहते हैं हम 3D एरे, थ्री डायमेंशन एरे भी होता है अभी, लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो अगर 3D होता ना तो लूप के अंदर लूप और उसके अंदर एक और लूप होता, ये भी 3-fold होता था, ठीक है। तो अभी 2D है, लूप के अंदर एक बाहर लूप, उसके अंदर एक और लूप, ठीक है। एक का नाम रखा मैंने आई, एक का नाम रखा मैंने जे। अब इस पॉइंट पे जब क्या कर रहा हूँ ये, जब इस पॉइंट पे मैं पहुंचा तो मुझे आई कॉमा जे जो है ना, ये आई कॉमा जे जो मुझे मिलता है, ये एक मुझे ऐसा एड्रेस मिलता है जो उस 2D एरे को एक एक करके एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट कोड है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज काइंड ऑफ अ बॉयलर प्लेट कोड, सही है। इसको मैंने मॉडिफिकेशन की, इसको भी हटा देता हूँ, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं एक्सेस कर रहा हूँ, किसको एक्सेस कर रहा हूँ, एक 2D एरे को। आई मुझे पहली दफा में 0 मिलेगा, जे भी मुझे पहली दफा में 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाहर वाला लूप एक दफा चलेगा तो अंदर वाला लूप अपनी पूरी आइट्रेशन करेगा, अभी 3 है तो या 5 है जो भी है, पूरी आइट्रेशन करेगा। तो मुझे शुरू में जो 3 दफा ही होगा, आई में 0 मिलेगा, जे में 1, 2, 3 मिलेगा, सही है। तो अब अंदर वाला जो है क्या हो गया, एक साइकिल उसका पूरा, यानी आइट्रेशन पूरी कंप्लीट हो गई। अब बाहर वाला एक दफा और चलेगा, फिर अंदर आएगा, अंदर वाला अपनी पूरी आइट्रेशन लेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में कितनी बार चलेगा, सही है, बाहर वाला चल रहा है 3 दफा, बाहर वाला चल रहा है 3 दफा मल्टीप्लाई, अंदर वाला भी चल रहा है 3 दफा, तो ये टोटल कितनी बार चलेगा, 9 दफा चलेगा, ठीक है। 3 3 6 3 9, तो ये जो कॉन्सोल है ये 9, ये इंडेक्स जिस पे कॉन्सोल पे लिखा हुआ है ये 9 दफा प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, कि भाई बाहर वाला 3 दफा चल रहा है, अंदर वाला भी 3 दफा चल रहा है, ठीक है। तो जरा गिन लेते हैं यहाँ पे आके, ये जो इंडेक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, 9 दफा प्रिंट हुआ। वो गिन लेना वैसे भी 9 दफा ही हुआ है, सही है, जो इंडेक्स लिखा हुआ है वो 9 दफा प्रिंट हुआ है, मैंने गिन लिया, ठीक है। आप अपने पास भी ये सेम कोड लिखोगे, चलाओगे, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 2D एरे को एक्सेस करना आज हमने अच्छी तरह से सीख लिया है, 2D एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है फॉर लूप के जरिए, वो हमने अच्छी तरह सीख लिया, ठीक है। इसका मैंने असाइनमेंट भी आपको दे दिया है, 2 मैट्रिक्स आपने इनपुट लेना है यूज़र से, इसी तरह एक लूप चलाओगे पूरा ये इनपुट लेने के लिए, पहला इनपुट, सही है। फिर इसी तरह का एक और लूप नीचे लिखोगे दूसरा इनपुट लेने के लिए, फिर एक तीसरा लूप लिखोगे उसको सम करने के लिए, और फिर एक चौथा लूप लिखोगे उसको प्रिंट कराने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो इस तरह के जो ये इस तरह का जो लूप है ना 2D, ऐसे कोई 4 या 5 या 6 लूप लिखोगे टोटल पूरा प्रोग्राम बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बनाने के बाद आपका 2D लूप के ऊपर हाथ अच्छा हो जाएगा, सही है। इसमें मैं एक छोटी सी चेंजिंग और भी कर दूं ताकि ये बॉयलर प्लेट आपका प्रॉपर हो जाए। मैंने कहा 2D ARR 2D डॉट लेंथ, ठीक है, मतलब ये 3-3 मैंने फिक्स किया हुआ था ना, इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने कहा का इंडेक्स आई डॉट लेंथ, ठीक है। अब ये बॉयलर प्लेट कोड है आपका, हमेशा ये इसी तरह लिखा जाएगा। अब ये देखो मैंने कहा ना 2D का डॉट लेंथ और 2D का इंडेक्स आई डॉट लेंथ, अब मैं इसके डायमेंशन को कुछ भी चेंज करता रहा हूँ ना, किसी में मैंने 6 कर दिया, सही है, किसी में मैंने 2 कर दिया इंडेक्स, ये लूप अभी भी सही चलेगा। अभी भी सही क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने कहा है 2D एरे की लेंथ पे चलो, ठीक है। फिर मैंने कहा है कि 2D एरे का इंडेक्स आई जो है उसकी लेंथ पे चलो, पहले तो मैंने 3 और 3 किया हुआ था ना, फिक्स किया हुआ था पहले मैंने, अभी मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों की लेंथ के ऊपर चला दिया। अब मैं इसकी लेंथ को जितना भी आगे पीछे करता रहा हूँ ये क्या करेगा, बिल्कुल सही चलेगा ये लूप, ठीक है। टोटल कितनी वैल्यूज हैं अभी, 4 और 3 7 और 4 12 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये लूप 12 दफ़ा चलेगा, 12 की 12 प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, 12 दफ़ा प्रिंट हुआ ये, सही है। वैल इसको मैं कंट्रोल जेड करके वही 3x3 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो सीक्वेंस है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस कोड को अब मैं पुश भी कर देता हूँ ज़रा अपना 4G का कनेक्शन लगा के, ताकि आपके पास ये कोड आ जाए। जी दोस्त बोले, सर जैसे इनपुट ले रहे हैं यूजर से, हाँ, तो एक एरे के अंदर
पुश कर रहे हो, तो दूसरा एरे अब तीन के बाद मैट्रिक्स के लिए जैसे हमने खत्म करना है, तो वो भी कह रहे खत्म हो गए, दूसरा एरे कैसे होगा तीन के? नहीं तो बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा आपके दोस्त ने, इन्होंने कहा है कि भाई अगर मुझे तीन अलग अलग यानी एरे बनाने हैं अगर, सही है, तो तुम तीन अलग अलग एरे बनाओगे ना, एरे नंबर वन बनाओगे इनपुट के लिए, सही है, जो पहला मैट्रिक्स इनपुट लोगे उसके लिए तुम क्या बनाओगे? अच्छा वहाँ पे आना बंद इसलिए हो गया क्योंकि मैंने वाईफाई अपना लगा दिया, आ रहा है वहाँ पे, ये भी अच्छा, ये एक पहले इनपुट के लिए एक बना, दूसरे के लिए एक और बनेगा, रिजल्ट के लिए तीसरा बनेगा, ये तीन बनेंगे असल में, ठीक है, एक से थोड़ी होगा तीन होगा, एक ही के अंदर तीन, क्या मतलब? इसका एक तरीका ये है, नहीं मैं सवाल नहीं समझा ना, रिपीट करो सवाल, एक एरे है ये वाला, सही है, तीन है, सही है, अब यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, हाँ, तो वो तीन के बाद जो दूसरा एरे आया है वो ब्रेक कैसे हो? ये तीन के बाद जो, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि ये तीन तो मैंने ले लिया, ये वाला कैसे लूंगा चौथा? तो ये नेस्टेड लूप के जरिए जैसे एक्सेस कर रहे हो उसी तरह एक्सेस करोगे, इसी तरह लोगे, ब्रेक क्या मतलब? एक एरे से दूसरे एरे में नहीं जाएगा ना वो, ये अगर 3x3 का इनपुट ले रहे हो तो यहाँ पे तुम फिक्स करोगे ना कि ये तीन दफ़ा चले, ये तीन दफ़ा चले, सही है, ये कोड चल गया, अब ये कोड चल के ख़त्म हो गया ना 3x3, अब उसके बाद एक फॉर लूप और लिखा हुआ होगा यहाँ पे जो दूसरा इनपुट ले रहा होगा, ऐसा ही है, ये भी 3x3 होगा, ये पूरा कोड चलेगा फॉर का, वो 3x3 का इनपुट लेके वो ख़त्म हो जाएगा, अब दोनों इनपुट आ गए, दो इनपुट आ गए आपके पास, अब एक तीसरा एरे लिखो, वो लूप लिखोगे, वो लूप क्या करेगा? वो दोनों एरे को एक्सेस करेगा, उसका सम एक तीसरे एरे में डंप करेगा, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये खुद करो, जी दोस्त, जी दोस्त, ये मैं सवाल नहीं समझा तुम्हारा, दोबारा पूछो, सर वो तीन लैंथ है उसकी, पहला वाला लूप लैंथ चलाएगा, तीसरा और जो दूसरा वाला लूप है वो इंडेक्स के अंदर, वो लैंथ के अंदर, इंडेक्स के अंदर की लैंथ चलाएगा, जी ठीक है, इस आई पे जो भी इंडेक्स मौजूद है ना, मतलब इसकी लेंथ पे चलेगा, आई का पहला आइटम ये है ना, फिर अगली दफ़ा इसके इस इंडेक्स, इसके इंडेक्स पे, इसकी लेंथ पे चलेगा, फिर तीसरी दफ़ा इसकी लेंथ पे चलेगा, ठीक है, अच्छा देखो कोई मसला नहीं है, शुरू में मुश्किल चीज़ लग रही होगी, ठीक है, प्रोग्रामिंग मुश्किल है, आसान नहीं है, मुश्किल है जब ही तो पैसे हैं भाई, तो कोई मसला नहीं है, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो भी लेकिन इंसान है, ठीक है, तो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, घर जाओगे थोड़ा सा, अभी ट्रैवल करोगे तो एक घंटे के डेढ़ घंटे का ब्रेक आ जाएगा, घर जाके यही चीज़ जो नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप के ऊपर अलग से 2000 वीडियोस देख लेना, ठीक है, किसी दूसरी जगह से इसको पढ़ना, खुद से स्टडी करना, तो जब तुम एक दो बार मुख्तलिफ जगहों से इसको पढ़ोगे, कोड लिखो, ये कोड मैंने पुश कर दिया गिटहब में, ठीक है, ये कोड जब तुम अपने हाथ से लिखोगे तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा, कोडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है, तो मुझे आप लोगों की शक्लों से लग रहा है कि अभी तो ये हो नहीं पाएगा ये मैट्रिक्स वाला, ठीक है, लेकिन अगली क्लास से पहले पहले ये हो जाना चाहिए, इंटरनेट से देखो कहीं से भी है, कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना, आइडिया ले सकते हो कि यार कर कैसे रहे हो, कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना, किसी एक का अगर आप में से बन जाए क्लास में तो उसका देख लेना कि उसने कैसे बनाया, आइडिया ले लेना, और एक बात और मैं बता दूं, मुझे असाइनमेंट जो चाहिए ना वो स्क्रीन पे चाहिए, स्क्रीन पे इनपुट का ऑप्शन आना चाहिए मेरे पास, ठीक है, अब तुम जैसे भी इनपुट का ऑप्शन बना दो, तुम्हारी मर्जी है जैसे भी बनाओ, ठीक है, प्रॉम्प्ट से बना दो, फॉर्म से बना दो, कुछ भी कर दो, मुझे स्क्रीन पे चलता हुआ चाहिए, ठीक है, कंसोल पे नहीं, स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, और बाकायदा तीन मैट्रिक्स मुझे तीनों दिखे हैं कि ये पहला मैट्रिक्स है, फिर प्लस है, फिर दूसरा है, फिर इक्वल टू लगा के तीसरा है, पूरा मुझे सम दिखे बाकायदा, हाँ
मैं तो मतलब मैं तो पूरी रिएक्ट की ऐप बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मसला टाइम शॉर्ट है ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं सिर्फ वो चीज़ें करता हूँ जो समझाने वाली चीज़ें। देखो इनपुट लेना आउटपुट दिखाना ये हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब ये बार बार मेरा ख्याल है करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग चूँकि प्रैक्टिस कर रहे हैं बिगनर्स हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि वो इनपुट और आउटपुट वाला प्रोसेस ना बार बार आप करें, ठीक है। फिर उसका दूसरा बेनिफिट ये है कि कल को किसी को दिखाने के लिए तो काम आएगा ना यार वो, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे कॉन्सोल पे जो प्रिंट हुआ है वो आप किसी को दिखा थोड़ी सकते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। होस्टेड होना चाहिए, गिटहब के ऊपर होस्ट हुआ वो, लिंक पे क्लिक करेंगे आप सामने स्क्रीन खुल जाए, इनपुट ले यूजर से और इनपुट आउटपुट दिखाए तो प्रेजेंटेबल होता है थोड़ा ना, थोड़ा प्रेजेंटेबल चीज़ बनाए, मैं ये चाहता हूँ आपसे, ठीक है, ताकि मैं भी उसको चेक करने में मुझे भी आसानी हो, कल को किसी बंदे को आप दिखाएं किसी इंटरव्यू में शो करें आप तो उसको भी देखने में अच्छा लगे, सही है। चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी अब अगली क्लास में, अगली क्लास में ये कर लेना, कोड मैंने पुश कर दिया। अच्छा हमाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा इनकी बात सुन लें प्लीज, हमाद भाई माइक लेना।